जय हिंद दोस्तों। जम्मू कश्मीर के राजौरी में आतंकी हमला में सेना का जवान सुभाष चंद्र शहीद हो गए हैं। वह उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले के रहने वाले थे। यह जवान आतंकी के साथ लोहा लेते हुए जम्मू कश्मीर के राजौरी में सीने में गोली खाकर शहीद हो गए हैं। वह 7 जाट रेजिमेंट में तैनात था। शहादत की खबर आज प्रशासन की टीम ने गाँव में जाकर दी तो परिजनों में मातम छाया हुआ है। परिवार परिजनों को रो रो कर हालत बुरा बन चुका है। शहीद के परिवार में माता पिता के अलावा पत्नी और एक बच्ची है, जो कि सभी को छोड़कर यह जवान देश के लिए अपने प्राण को नौछावर कर दिए हैं। गांव नगला मनी निवासी सुभाष चंद्र 28 वर्षीय पुत्र मसूरा प्रसाद वर्ष 2016 में भारतीय सेना में कड़ी मेहनत के साथ भर्ती हुए थे। वह इस समय 7 जाट रेजिमेंट में तैनात था। सुभाष की इस समय राजौरी में तैनाती थी। सेना के मुताबिक राजौरी में आतंकी से बीती रात करीब 2:30 बजे मुठभेड़ हुआ। सुभाष शहीद हो गए हैं। इसकी जानकारी आज स्थानीय प्रशासन को हुई तो स्थानीय प्रशासन ने उसके गांव में पहुंचकर इसकी सूचना दी। सुभाष 15 दिन पहले ही ड्यूटी पर गया था। सुभाष की दादी का 30 मई को निधन हो गया था और वह 1 माह की छुट्टी बिताकर करीब 15 दिन पहले ही राजौरी गया था। परिवार में सुभाष चंद्र 3 भाई थे। कुछ साल पहले ही उसके एक भाई की मौत हो गई थी। हालांकि अभी परिवार की महिलाओं की इसकी शहादत की जानकारी नहीं दी गई है। गांव के लोगों के मुताबिक करीब 4 साल पहले ही सुभाष की शादी हुई थी। माना जा रहा है कि उसका पार्थिव शरीर कल उनके पैतृक गाँव में लाया जाएगा। सैन सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। उसके परिवार के लोगों का कहना है कि उन्हें सुभाष की शहादत पर गर्व है, लेकिन यह जवान जम्मू कश्मीर के राजौरी में बीते दिन आतंकी हमला में यह जवान डटकर सामना किया, सीने में गोली लग गया, जहां पर यह जवान शहीद हो गए हैं। शहीद जवान सुभाष चंद्र लगातार 8 वर्षों से देश के अनेकों जगह सेवा देते आ रहे थे, लेकिन अफसोस की बात यह है कि जम्मू कश्मीर में लगातार आतंकी हमला होते जा रहे हैं। हमारे देश के एक और वीर सपूत जवान हाथरस के रहने वाले सुभाष जाट शहीद हो गए हैं। वह महज 28 वर्ष के उम्र में अपने प्राण को नौछावर कर दिए। 8 साल पहले ही भारतीय सेना में कड़ी मेहनत के साथ भर्ती हुए थे। लगातार देश के लिए अनेकों जगह सेवा देते आ रहे थे। बताया जाता है कि यह जवान के परिवार में पत्नी और एक छोटी बच्ची है, जो कि सभी को रोते भी लगते छोड़कर यह जवान देश के लिए अपने प्राण को आहुति दे दिए हैं। कल शहीद जवान के पूरे सैन्य सम्मान के साथ इनके पैतृक गांव में पैतृक शमशान घाट पर अंतिम संस्कार किया जाएगा। सच में मेरे दोस्तों, जब कोई फौजी देश के लिए सरहद पर शहीद होते हैं तो दिल नहीं आत्मा भी तड़प तड़प कर होती है। अगर शहीद जवान सुभाष कुमार चंद्र के लिए आप लोग को जरा सा भी रिस्पेक्ट हुआ तो कमेंट में जय जरूर लिखना। मैं भगवान से सादर विनती प्रार्थना करता हूँ, शहीद जवान सुभाष चंद्र का आत्मा को शांति मिले और इस दुख की घड़ी में उनके परिजनों को दुख सहने की सहन शक्ति मिले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।